नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और इस वक्त मैं खड़ा हूं चाईबासा के हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले पोस्ट ऑफिस चौक में। यह वो पोस्ट ऑफिस चौक है जहां अमूमन आए दिन अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर देर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर आज यहां पर आपको इक्का दुक्का लोग ही सिर्फ नजर आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है सुरक्षा सप्ताह मनाने का, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह इसलिए मनाया जा रहा है ताकि कोरोना जैसी जो महामारी है उसकी चेन को तोड़ा जाए। इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है लोगों को इसका अनुपालन कराने के लिए, और चाईबासा शहर के लोग भी काफ़ी जागरूक हैं जो सरकार के इस निर्णय को मानते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो लागू किया गया है उसे मना रहे हैं और घरों से कम निकल रहे हैं। हम कशिश न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों से भी यह आग्रह करना चाहेंगे या अपील करना चाहेंगे कि बेवजह घरों से ना निकले, बहुत आवश्यकता हो तभी आप घर से निकले, क्योंकि यह जो महामारी है यह हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है और हर किसी को जान माल की हानि हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे की ओर पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं लोगों को समझाने के लिए कि आप घरों से कम निकलें, जब अगर आवश्यकता नहीं है तो घरों में ही रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यह चेन तोड़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चेन नहीं टूटेगी तो ये महामारी फैलती जाएगी और हर किसी को मौत अपने आगोश में लेगी। तो इस चेन को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी जो बात है, सबसे पहली चेतावनी जो दी गई है कि आप घर में नहीं रहेंगे तो आपकी जान चली जाएगी, तो इसको लेकर लोगों को घर में रहना बहुत आवश्यक है, मास्क का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जो वायरस है ये हमारे नाक और मुंह के जरिए हमारे शरीर में जाएगा, जिसके बाद हमारी जान तक जा सकती है। तो लोगों से हम फिर से एक बार आग्रह करना चाहेंगे कि आप घरों से कम निकले, जितना हो सके घर में ही रहें, और अगर निकले भी तो मास्क का इस्तेमाल करें। तो इसी का अनुपालन कराने के लिए आज जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा अपने सहयोगियों के साथ आज शहर का उन्होंने भ्रमण किया और शहर के आसपास लोगों को समझाया कि किस तरह से हमें इस बीमारी से दूर रहना है, कैसे निजात पानी है, इसके लिए जो उपाय है वो भी उन लोगों ने बताया और लोगों से आग्रह भी किया कि आप घरों में ही रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर जब तक हम घर में नहीं रहेंगे तो इस चेन को तोड़ना बहुत मुश्किल है। कशिश न्यूज़ के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा के।